मध्य प्रदेश रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह 8 बजे के आसपास एक बड़ी घटना होने से टल गई। आज सुबह गुड़ थाना क्षेत्र के महसाओ से सुबह एक ऑटो में तकरीबन 10 से 12 लोग रीवा से जा रहे थे। रास्ते में लोही ग्राम में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 महिलाएं, 3 पुरुष और एक 10वीं का छात्र अनिल चौरसिया, जिसका आज पेपर था, घटना के शिकार हो गए। सभी एक ही गांव के रहने वाले थे। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हम लोग अपने गांव से आ रहे थे, तो टेम्पो पलटी हुई थी वहां पे, तो इसके बाद फिर एम्बुलेंस आई और उसमें सब लेकर के संजय गांधी हॉस्पिटल में आकर एडमिट कराए। उनका ट्रीटमेंट हुआ। अगर एक लड़का जो अनिल नाम है, उनका 10वीं का पेपर है और वो पेपर नहीं दे पा रहा है। कितने लोग सवार थे ऑटो में? उसमें 10-12 लोग सवार थे उसमें। हालत कितने खबर गंभीर? 4-5 लोगों की मतलब चोट लगी है, हाथ पैर टूट गया। क्या नाम है आपका? हमारा रोहित। सभी लोग कहाँ के रहने वाले थे? हम सब लोग महसाओं के रहने वाले हैं।